हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग आ जाइए जल्दी से। और 9 बज गई है, 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है। आज होगी आपकी टेस्ट नंबर आपका 24, जिसमें हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जितने जल्दी हो सके सभी लोग आ जाइए और सारे सवाल को आपको एकदम रट लेना है दोस्तों। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका करेंट अफेयर भी है, आपका सोशल साइंस भी है, साइंस से भी है, सभी सेक्शन से आपको प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही आप लोग को करवाया जा रहा है डेली टेस्ट। आप लोग हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप का भी नंबर आपको देखिए शो कर रहा होगा स्क्रीन पे, है ना, ये नंबर हमारे ग्रुप का है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं 7857824310। ठीक है, इसमें जुड़ने का क्या प्रोसेस है आप इस पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा। और इसमें देखिए मैथ भी आप लोग को दिया गया है। पार्ट वन आपका 75 प्रश्न है और पार्ट टू आपका समान DLED वाला 75 प्रश्न है, तो दो पार्ट में इसको बनाया गया है। ठीक है, तो 75 प्रश्न आज होगा जिसमें मैथ भी है, तो ये मैथ को आप लोग को बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रीजनिंग और मैथ 10, यहाँ पर मैथ भी दिया गया है और 10 यहाँ पर रीजनिंग भी दिया गया है, क्योंकि आप लोग को रीजनिंग भी पूछेगा 10 और 10 आपको मैथ भी पूछेगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर सामान्य अध्ययन से स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन में जो पहला होगा दोस्तों वो है आपका करेंट अफेयर से हम लोग शुरू करते हैं, 21 से। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको, 10 रीजनिंग और 10 मैथ भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका आंसर आपको नीचे दे दिया जाएगा। तो चलिए 21 से आपका करेंट अफेयर से हम लोग शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सभी लोग आ जाइए, सभी लोगों को गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है ना, तैयारी चल रही है? बिल्कुल तैयारी करते रहना है, डेली आपकी क्लास चल रही है, एक भी दिन नागा नहीं हो रहा है। आपको भी बिल्कुल नागा नहीं करना है, एकदम क्लास करते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए जी, तो पहला का आंसर क्या होगा? विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? ऑप्शन है गीता बत्रा, प्रीति अघलायम, गीता गोपीनाथ रानी वर्मा। देखिए विश्व बैंक की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या होगा? मैं पहले आंसर बता दूं कि पहली महिला जो डायरेक्टर बनी है वो गीता बत्रा बनी है, और ये गीता बत्रा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए में। ठीक है, अगर आपसे कहे दोस्तों कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, पता है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, और ये कहाँ पड़ता है? तो USA में पड़ता है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि 10 सवाल आपके करेंट अफेयर से भी रहेंगे, तो करेंट अफेयर भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। और करेंट अफेयर पिछले एक साल का आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा, है ना, क्योंकि पिछले एक साल का ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर जून में एग्ज़ाम होती है तो जून 2023 से जून 2024 तक का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, और उसी में से आपको 10 सवाल लगभग आपको पूछेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, वर्तमान में अगर कहे विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो ये भारतीय मूल के दोस्तों अजय बंगा। क्या नाम है इनका? अजय बंगा, है ना, तो नोट भी कर लेना है अगर नहीं याद है तो। अजय बंगा अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 नंबर, कि हाल ही में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जी हाँ, आजकल मंदिर पर भी टैक्स लग रहा है ना, पढ़ाई पर तो लग ही रहा है, मंदिर पर भी टैक्स लग गया, और वो पहला राज्य कौन है जो मंदिर पर टैक्स लगाया है दोस्तों? वो पहला राज्य है आपका कर्नाटक। जी हाँ, वो आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जो मंदिर पर भी टैक्स लगा दिया है, वहाँ की विधानसभा के द्वारा दोस्तों ये बिल पास किया गया है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से अगर बता दूँ, तो
कर्नाटक में है ना किसी भी मंदिर की आय है ना इनकम है ना अगर 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, अगर इनकम उसका कितना है 1 करोड़ रुपया है, तो उसको 10% टैक्स देना होगा। जी हाँ, 10% टैक्स देना होगा। और अगर मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से अधिक होगा तो उसको 5% टैक्स देना होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया है या 1 करोड़ से ज़्यादा है तो इसको 10% टैक्स देना है, अगर 1 करोड़ से कम है और 10 लाख से अधिक है तो इसको 5% टैक्स देना है, ठीक है। ये बिल पास हो गया है विधानसभा से, कर्नाटक विधानसभा से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर कि किस खिलाड़ी को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। देखिए, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसको चुना गया है दोस्तों, तो ये जो खिलाड़ी हैं ये आपके फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये कौन खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका नाम है लियोनेस मेसी, है ना, लियोनेस मेसी ये हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। और लियोनेस मेसी जो है ना, इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी भी चुना गया है 2023 में, तो ये भी सवाल आपको याद रखना है कि फीफा विश्व कप जो होता है ना, फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा पुरुष खिलाड़ी का है ना इसको भी ताज प्राप्त हुआ है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का ताज किसको मिला है, तो लियोनेल मेसी को ही मिला है, ये भी आप ध्यान में रखना है। और एथलीट ऑफ द ईयर 2023 भी किसको मिला है, तो लियोनेल मेसी को मिला है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी हिम तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की संख्या कितनी है। देखिए, हिम तेंदुआ नाम ही है इसका दोस्तों, हिम तेंदुआ, तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, यानी कि हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, और तेंदुआ तो आप जानते ही हैं, तो ये बर्फीले क्षेत्र में पाए जाएंगे हिम तेंदुआ। भारत में कह रहा है कि इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या वर्तमान में 718 इसकी संख्या है, ठीक है, 718 इसकी संख्या है वर्तमान में। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सर्वाधिक हिम तेंदुओं की संख्या कहाँ है, तो क्या जवाब होगा, सर्वाधिक अगर कहे कि हिम तेंदुओं की संख्या कहाँ है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ, लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख में सर्वाधिक हिम तेंदुआ है, और यहाँ पर अभी 477 हिम तेंदुआ है। अगर आपसे कहे कि सबसे कम हिम तेंदुआ कहाँ है, तो वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में सबसे कम हिम तेंदुआ अभी वहाँ पर गणना हुआ है, मात्र 9 हिम तेंदुआ है। अगर आपसे कहे दोस्तों कि हिम तेंदुआ परियोजना कब लॉन्च किया गया है, तो हिम तेंदुआ परियोजना 2009 ईस्वी में लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे कहे कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया है, तो वो हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। अगर आपसे पूछे कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका लद्दाख में, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, है ना। अगर आपसे सवाल पूछे कि वो कौन सा राज्य है जिसका हिम तेंदुआ राजकीय पशु है, तो वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है, तो वो हिम तेंदुआ ही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हिम तेंदुआ से आपको बहुत सारा सवाल आपको बता दिए हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 विश्व सम्मेलन में कुल कितनी राशि के निवेश को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए गए, बताइए दोस्तों। बिहार बिजनेस कनेक्ट है ना, बिहार में बिजनेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था है ना, उसका नाम पड़ा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023, और कह रहा है कि इसमें कितना निवेश है ना, कितनी राशि बिहार में निवेश करने को लेकर के इस पर हस्ताक्षर किए गए, तो इस पर जो हस्ताक्षर किए गए वो 50,530 करोड़ की राशि निवेश करने के लिए, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। देखिए, बिहार में निवेश करने के लिए
बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 जो संपन्न हुआ, ये कहाँ संपन्न हुआ, तो बिहार की राजधानी पटना में ये संपन्न हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां इसमें दोस्तों अपना पैसा लगाने के लिए आगे आई, तो इसमें टोटल 124 कंपनी दोस्तों पैसा लगाने के लिए आगे आई बिहार में, मतलब निवेश करने के लिए। और निवेश करने के लिए कौन कौन, जो मेन था अडानी ग्रुप भी इसमें आया है, ठीक है, अडानी का तो नाम जानते होंगे ना, तो अडानी समूह भी इसमें बिहार में निवेश करने के लिए, कितना रुपया निवेश करेगा अडानी, 8700 करोड़ रुपये का निवेश करेगा अडानी समूह, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 कह रहा है कि हाल ही में बिहार में नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक कहाँ किया गया। देखिए दोस्तों, नागी पक्षी महोत्सव है ना, नागी पक्षी महोत्सव होता है, और ये महोत्सव कहाँ होता है, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में होता है। कहाँ होता है, जमुई में होता है, और ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। ये कब हुआ था, तो ये 17 से 19 फरवरी के बीच हुआ था। देखिए नागी क्या है, देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अगर बता दूँ, तो नागी नकटी ना, नागी नकटी, आप नाम सुने हैं नागी नकटी, नागी नकटी, तो नागी नकटी दोस्तों एक पक्षी विहार है, ठीक है। नागी नकटी क्या है, एक पक्षी विहार है, और ये पक्षी विहार किस जिले में है, तो ये जमुई जिले में है। यहाँ पर प्रत्येक साल एक पक्षी महोत्सव होता है, है ना, तो वही आपको यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि नागी नकटी पक्षी विहार कहाँ है, तो जमुई में है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि ओढ़नी डैम कहाँ है ना, आपको अगर पूछे ओढ़नी डैम कहाँ है दोस्तों, आपको पता है कि ओढ़नी डैम कहाँ है, ये पड़ता है आपको बांका डिस्ट्रिक्ट में, है ना। ओढ़नी डैम कहाँ है, बांका में है। बरैला झील कहाँ है, अगर आपसे पूछे कि बरैला, क्योंकि बिहार से तो क्वेश्चन पूछेगा ना, बरैला झील कहाँ है, तो बरैला झील पड़ता है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बरेला झील कहाँ है, वैशाली में है, याद रखना है ना। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 27 नंबर की। भारत के किस राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई है। भारत के वो कौन सा राज्य है जिसको 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो राज्य कौन होगा, जल्दी से बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य को दोस्तों ये मेजबानी दिया गया है 38वीं राष्ट्रीय खेल 2024 का, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछे कि 38वीं को तो उत्तराखंड मिला है, लेकिन 37वीं को किसको मिला था आयोजन, है ना, 37वीं जो राष्ट्रीय खेल 2023 में हुआ था, ये कहाँ आयोजन हुआ था, तो 37वीं, एक मिनट में 38 लिख दिया हूँ, 37वीं कहाँ हुआ था दोस्तों, 37वीं हुआ था गोवा में, याद रखना है, 37वीं गोवा में हुआ, और 38वीं होगा उत्तराखंड में 2024 में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28 नंबर। 28 कह रहा है कि प्रसिद्ध, एक मिनट, हाँ 28 कह रहा है दोस्तों आपका कि 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। देखिए पेटा इंडिया के द्वारा, है ना, पेटा क्या होता है इसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि पेटा आखिर क्या है, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया, पहले आपको ये याद रखना है कि 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया है, तो वो आपको प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री का नाम पता होगा, और उसका नाम है दिया मिर्जा। जी हाँ, दिया मिर्जा जो है दोस्तों इन्हीं को चुना गया है, 2023 का पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा जान ले कि आखिर पेटा क्या होता है। पेटा जो है ना, एक PETA, है ना, पेटा क्या है, तो पेटा दोस्तों एक संगठन है, और ये संगठन किस चीज़ की है, तो पशुओं को अधिकार दिलाने के लिए। अब जैसे हमारा भी तो अधिकार है बहुत सारा, लेकिन पशु का भी तो कुछ अधिकार है, है ना, तो पशु के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है, है ना,
जिसको नाम दिया गया है पेटा। और पेटा की स्थापना कब हुई है तो 1980 में है, 1980 में हुई है पेटा की स्थापना। ठीक है, तो पेटा जो है दोस्तों ये अमेरिकी संगठन है, ठीक ना, जो एक पशुओं के लिए बनाया गया है कि पशु के साथ अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ होता है ना, पशु के साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो उसके लिए ये पेटा स्थापना की गई है 1980 में। ठीक है, अगर तो 2023 वाला किसको दिया गया है, दिया मिर्जा को दिया गया है। अगर आपसे पूछे 2022 वाला पेटा किसको दिया गया है तो 2022 का पेटा इंडिया की ओर से सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया था, है ना। 2022 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया था पेटा इंडिया का, तो सोनाक्षी सिन्हा को, और 2023 वाला दिया मिर्जा को। 24 वाला का भी घोषणा नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर कि किस लेखक को उनकी पुस्तक प्रॉफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, प्रॉफेट सॉन्ग के लिए दोस्तों बुकर पुरस्कार दिया गया है ना, वो कौन से लेखक हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो लेखक है ना ये आयरिश लेखक हैं, और ये पॉल लिंच को, है ना, पॉल लिंच को उनकी किताब प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से इसको सम्मानित किया गया है, पॉल लिंच को। आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुकर पुरस्कार दिया गया है। एक तो आपको पूछेगा दोस्तों कि ये जो बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए बुक किससे संबंधित है, साहित्य से, है ना, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख ले। नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों सवाल नंबर 30 नंबर की वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में पूछ रहा है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, हर्ष चौहान, प्रियंका कानूनगो या सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। क्या होगा दोस्तों 30 का आपका आंसर हो जाएगा प्रियंक कानूनगो, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग क्या क्या होगा, लिख लीजिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। क्या नाम है, रेखा शर्मा इनका नाम है, ध्यान रखना है। अगर आपसे कहे कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंस राज गंगाराम अहीर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हर्ष चौहान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। चलिए, तो 10 सवाल था यहाँ दोस्तों करेंट अफेयर का आपका, है ना, 21 से लेकर के 30 तक आपका करेंट अफेयर था। इसके बाद यहाँ पर अब साइंस के प्रश्न है, साइंस से आपको 20 सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 20 सवाल चलिए हम लोग साइंस का देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऑप्शन है कि ग्रहों के वायुमंडल को उनके अलग होने से रोकना, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, तारों को आपस में जोड़े रखना, चांद या उसकी कक्षा में उपस्थित होना। कौन सा नहीं पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा यहां पर बताइएगा जल्दी से। देखिए, ग्रहों के वायुमंडल को उनके अलग होने से रोकना ये तो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है, ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक ये नहीं है, तारों को आपस में जोड़े रखना ये भी है, चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना ये भी है। यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा था और ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक कह रहा है गुरुत्वाकर्षण, तो ये गलत बात है। 31 का हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, है ना, गुरुत्वाकर्षण का ये उदाहरण नहीं है, है ना, ब्लैक होल के घूर्णन में ये सहायक नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32 नंबर कह रहा है कि एक यात्री जो है चलती रेलगाड़ी में 5 रुपये का सिक्का उछालता है। ठीक है, यदि सिक्का उसके पीछे है तो रेलगाड़ी क्या होगा, बताइए। एक यात्री, है ना, ऐसा प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, एक चलती रेलगाड़ी में 5 का सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके पीछे है तो रेलगाड़ी एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान मंदन से चल रही है, एक समान बल से चल रही है, एक समान वेग से ही चल रही है।
32 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 32 का आपका आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण से चल रही है, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर, कह रहा है कि विद्युत वाहक बल व्यक्त करता है, विद्युत वाहक बल क्या व्यक्त करता है, एक बल, इकाई आवेश की ऊर्जा, ऊर्जा या कार्य, विद्युत वाहक बल क्या व्यक्त करता है, आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है। 33 का, 33 का आंसर हो जाएगा इकाई आवेश की ऊर्जा, है ना, इकाई आवेश की ऊर्जा व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 की, आवेग की विमा वही होती है जो दाब की होती है या कोणीय संवेग की होती है या कार्य की होती है या रेखीय संवेग की होती है, तो आवेग की विमा क्या होती है, आवेग की विमा वही होती है दोस्तों जो रेखीय संवेग की होती है, और रेखीय संवेग आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर, 35 कह रहा है कि एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए, जी हाँ एक फ्यूज का तार जो है वो कैसा होना चाहिए, चालक और निम्न गलनांक वाला, चालक और उच्च गलनांक वाला, उच्च रोधी और उच्च गलनांक वाला, उच्च रोधी और निम्न गलनांक वाला। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा उच्च रोधी और निम्न गलनांक वाला दोस्तों फ्यूज का तार होता है, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, उच्च रोधी और निम्न गलनांक वाला। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर कि खाने का नमक, जी हाँ खाने वाला नमक हम लोग जो खाते हैं, है ना, उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ये किससे बना होता है। ठीक है, तो खाने वाला जो नमक किससे बना होता है ये बताना है आपको, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से, या एक कमजोर अम्ल या एक कमजोर क्षार से, एक कमजोर अम्ल एक मजबूत क्षार से, एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार से, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। देखिए, एक खाने वाला जो नमक है एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार अभिक्रिया से बनता है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए हो जाएगा आपका, यानी कि एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से ये बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 की, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया कर गलनीय द्रव्य बनाता है वो क्या कहलाता है, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया कर गलनीय द्रव्य बनाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है दोस्तों गालक, है ना, गलनीय द्रव्य बनाएगा तो उसको गालक कहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर, 38 कह रहा है कि मोललता, मोललिटी की इकाई क्या होती है, बताइएगा इसकी इकाई क्या होती है मोललता की, तो मोल प्रति केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। मोललता किसको कहते हैं दोस्तों, तो किसी विलयन के एक केजी में घुले विलेय के मोल में मान को ही मोललता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर की, प्रश्न कह रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगा, बताइएगा सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन है ये बताना है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर F-O-2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां से ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर की, निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, तो आवेश रहित कौन कौन सा होगा, अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना, आवेश रहित कौन कण यहां पर कौन सा है, तो आवेश रहित कण जो है वो है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या है, तो एक आवेश रहित कण है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों, तो प्रोटॉन एक उपपरमाणविक कण है जिसका प्रतीक क्या होता है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का प्रतीक इसको पी से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना, और ये धन आवेश होता है प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक नकारात्मक उपपरमाणविक ये कण है,
और इलेक्ट्रॉन का खोज भी आपको कई बार पूछा गया है, तो जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 की सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु जो हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा भाई, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु मोनोसाइट है ना, मोनोसाइट यानी कि एक केंद्राणु। जी हाँ, ये होता है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु, है ना, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 नंबर कि एक वयस्क मानव में कितने कैनाइन दांत होते हैं। जी हाँ, कितने कैनाइन दांत होते हैं ये बताना है आपको, है ना। कैनाइन का मतलब होता है रधनक, कैनाइन का मतलब क्या होता है, रधनक। तो रधनक दांतों की संख्या कितनी होती है, रधनक दांतों की संख्या होती है 4, ठीक है, याद रखिएगा, रधनक दांतों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कैनाइन, उसी को इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं, हिंदी में उसको रधनक कहा जाता है, तो इसकी संख्या 4 होती है। अगला है दोस्तों कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। जी हाँ, तो पाचन की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है मुख से ही हो जाती है, है ना, यानी कि जहाँ हम खाना जैसे ही मुंह में डालते हैं और चबाना शुरू करते हैं तो पाचन की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है, यानी कि आंसर हो जाएगा मुख गुहिका, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और पाचन तंत्र के समय दोस्तों ये 5 अवस्थाओं से गुजरता है आपका, है ना। सबसे पहले ये अंतर्ग्रहण के पास जाता है, उसके बाद पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर मल परित्याग होता है, ठीक है। तो 5 प्रक्रिया से हम जो खाते हैं वो गुजरता है। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। बताइए दोस्तों, वो कौन सी ग्रंथि है वो केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। बायोलॉजी का लगभग 10 सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा, बायोलॉजी से सवाल ज़्यादा पूछता है, 10 सवाल लगभग बायोलॉजी से रहेगा और 5 सवाल फिजिक्स से और 5 सवाल आपका केमिस्ट्री से रहेगा, ठीक है। यही सिलेबस लगभग एग्जाम में पूछता है बीपीएससी, और यही सिलेबस आप लोग को दिया गया है। तो प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक ही सक्रिय रहता है, तो आपका आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, ठीक है। थाइमस ग्रंथि जो है ये सिर्फ यौवन तक रहता है दोस्तों, वृद्धावस्था में ये लुप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर की सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो सेरेब्रम पाल्सी दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है आपको छोटे बच्चों में, है ना, ये सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है और ये मस्तिष्क संबंधी विकार होता है, ठीक है, मस्तिष्क संबंधी विकार होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46 नंबर कि वर्षा अम्ल, जी हाँ, प्रश्न कह रहा है कि वर्षा अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, पीएच मान आपको पूछ रहा है अम्ल वर्षा, है ना, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान आपको याद रखना है 5.5। जी हाँ, कितना होता है दोस्तों, 5.5 होता है अम्ल वर्षा का पीएच मान, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर कि अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, तो अंटार्कटिका में जो ओजोन परत है तो उसका सर्वाधिक विनाश जो हो रहा है वो किस महीने में होता है, ये सवाल है। तो दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त और सितंबर। तो ये सबसे अधिक जो विनाश होता है दोस्तों वो होता है सितंबर तथा अक्टूबर में, याद रखिएगा, सितंबर तथा अक्टूबर के माह में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ओजोन लेयर को, और ओजोन लेयर को प्रभाव होने की वजह से ही दोस्तों बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, ठीक है। चलिए, और ओजोन परत के क्षरण के लिए जो सबसे सक्रिय जो गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा इसमें जिम्मेदार होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर कि ओजोन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ये मनाया जाता है आपको 16 सितंबर को। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को, प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और
इसके अलावा देखिए कुछ कुछ और जैसे दिवस पूछा जाता है, आप याद रखना है। जैसे 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 3 मार्च को क्या मनाते हैं, लिख लीजिएगा, 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। 22 मई को क्या मनाते हैं, तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 12 मई को क्या मनाते हैं, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 23 मार्च को क्या मनाते हैं, तो विश्व मौसम दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है और एक दिवस आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा। मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है, बताइए मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है? 26, 31, 33, 30। 49 का हो जाएगा दोस्तों, 31 जोड़ी, है ना। कितने जोड़ी? 31 जोड़ी दोस्तों आपका स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है और साइंस का ये लास्ट सवाल है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सोशल साइंस देखेंगे। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है दोस्तों? बताइएगा वसा कौन सा वो अंग है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है, है ना। क्या होगा? 50 का, 50 का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यकृत, है ना। यकृत जो है ये वसा को तोड़कर ये कोलेस्ट्रॉल बना देता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर सोशल साइंस के सवाल का। पहला प्रश्न है सोशल साइंस का कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? 1781 के कथन के बारे में बताना है दोस्तों। बिहार में 1781 में जो विद्रोह हुआ था, कौन सा कथन यहाँ पर सही है, बताइए क्या होगा? देखिए बिहार में 1781 के विद्रोह में दोस्तों क्या क्या हुआ था इसके बारे में आप जानिए। हाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, या फिर बी कह रहा है कि यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, ठीक है, या फिर कह रहा है दोस्तों यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह विद्रोह लंबी अवधि तक चली, क्या होगा? देखिए इसका जो ऑप्शन होगा, ये जो विद्रोह था ना 1781 वाला बिहार में, इसमें एक तो बी नंबर आपका सही है, यह किसानों द्वारा किया गया था, और किसान के अलावे दोस्तों इसमें जमींदार भी शामिल थे, है ना, यानी कि बी भी सही है और आपका सी भी सही है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1781 में जो विद्रोह हुआ था इसमें आपका जमींदार लोग भी शामिल थे और किसान लोग भी शामिल थे, यानी कि बी और सी दोनों सही है, इसीलिए एक से अधिक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जमींदार में दोस्तों बहादुर शाही थे, नारायण सिंह थे, अकबर अली थे, ये सब जमींदार थे, और उसके अलावा किसान भी इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर, कह रहा है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? बताइए दोस्तों किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, वो क्या होगा? 52 का हो जाएगा आपका मेरठ षड्यंत्र। जी हाँ, ये मामला था दोस्तों आपको मेरठ षड्यंत्र मामला, और इसमें 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था आपका मेरठ षड्यंत्र। मेरठ षड्यंत्र जो हुआ था आपका 1929 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1929 में हुआ था दोस्तों ये मेरठ षड्यंत्र। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा, बी आर अंबेडकर से फिक्स है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, बी आर अंबेडकर के विषय में कौन सा यहां पर सही है? तो उनका जन्म 1956 में, अच्छा सॉरी, उनका 1956 में देहांत हो गया था, क्या यह सही है? बताइए दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही है, उनका जो देहांत हुआ था वो 1956 में हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1891 में हुआ था, है ना। जन्म कब हुआ था? 1891 में हुआ था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, क्या ये सही है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे, तो ये भी ठीक होगा आपका। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया,
उनका जन्म 1891 में हुआ था। देखिए आपका ये भी सही है दोस्तों, 1891 में है ना, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पर सही है। जी हाँ, यहाँ पर भी जो आंसर हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक होगा, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, है ना, ये भी सही है और ये वाला भी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 नंबर की, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे। न्यू इंडिया, जी हाँ, न्यू इंडिया से कौन से संबंधित थे दोस्तों, न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था, तो ये जो समाचार पत्र था न्यू इंडिया, ये था आपका एनी बेसेंट का, ठीक है, ये किसका समाचार पत्र था, एनी बेसेंट का। तो दोस्तों एनी बेसेंट के बारे में एक चीज़ तो पूछेगा आपसे कि भारत में प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट, 1917 में आपको बनी थी दोस्तों, ठीक है, चलिए प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर, 55 कह रहा है कि किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी। बताइए वो कौन था दोस्तों जो मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की, वो कौन थे, वो थे आपको W.W. हंटर। जी हाँ, W.W. हंटर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। W.W. हंटर ने दोस्तों इंडियन मुसलमान पुस्तक लिखी थी, है ना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडियन मुसलमान। नेक्स्ट सवाल है आपका 56 नंबर की, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार बनाई थी। देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक अस्थाई सरकार बनाई गई थी और ये बनाई गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। जी हाँ, 21 अक्टूबर 1943 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, भारत की अस्थाई सरकार की जो स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने, ये सिंगापुर में किया था दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, ये कहाँ पर किया गया था, सिंगापुर में किया गया था, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 57 नंबर, 57 कह रहा है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम सब लोग को याद है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपको 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये आपको कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, ठीक ना। और 13 अप्रैल 1919, देखिए आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आंसर नंबर हो जाएगा ई नंबर, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था, और अमृतसर में दोस्तों वैसाखी का पूर्णिमा था, है ना, उसी समय ये हुआ था, ठीक है। और सतपाल, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी, उसी के विरोध में लोग यहाँ पर जमा हुए थे अमृतसर में, ठीक है, और इसी निहत्थे लोगों पर गोलियाँ बरसा दी गई थी दोस्तों जनरल डायर के आदेश पर, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन हंटर समिति ने बताया था कि मात्र 379 लोग ही इसमें मरे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है। देखिए चौरी चौरा घटना हुई थी दोस्तों कहाँ पे, तो ये हुई थी दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश के आपका गोरखपुर में, है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये घटना हुई थी, चौरी चौरा कांड, और इसी के कारण दोस्तों, है ना, ये घटना कब हुई थी, पूरा डेट आप याद रखिएगा, 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हुई थी चौरी चौरा घटना, और 12 फरवरी को, ठीक है, 12 फरवरी को गांधी जी के द्वारा 1922 को, 12 फरवरी 1922 को इसको क्या कर लिया गया, वापस कर लिया गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो चल रहा था ना, तो असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, वापस कर लिया गया गांधी जी के द्वारा, और स्थगित हो गया आपको असहयोग आंदोलन। किस लिए स्थगित हुआ, तो चौरी चौरा कांड हो गया, कहाँ हुआ, तो गोरखपुर में हुआ, गोरखपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखना है दोस्तों, ठीक है।
और देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ हुआ था। ये जो क्या कांड हुआ था, कांड में क्या हुआ था, तो ये जो पुलिस जो थाना था ना, तो थानवे में लोग आग लगा दिए और 22 पुलिसकर्मी जल करके भस्म हो गए। ठीक है, तो 22 पुलिसकर्मियों उसमें जला दिया गया दोस्तों, और उसमें एक SI भी थे, वो भी उसमें जल करके मतलब मर गए। इसके वजह से आहत होकर के ही गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह है संथाल विद्रोह, है ना। एक तो पूछेगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह, और इसके नेता कौन थे, तो सिंधू और कान्हू। जी हाँ, सिद्धू और कान्हू दोस्तों इसके नेता थे, दोनों भाई थे, है ना, दोनों क्या थे, दोनों भाई थे, और ये नेता थे आपको संथाल विद्रोह का, सिंधु और कान्हू। ये हुआ कब था, तो 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था, आपको याद रखना है। ये झारखंड में मेन रूप से ये विद्रोह आपका चला था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 60 है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए गांधी इरविन समझौता आप क्या करना है ना, पूरा डेट याद रखना है। ये पूरा डेट आपको है 5 मार्च 1931 को हुई थी दोस्तों आपका गांधी इरविन समझौता। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ये गांधी जी के बीच में हुआ था और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, है ना, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। इस समझौता के तहत गांधी जी ने क्या किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन गया था दोस्तों कांग्रेस की तरफ से, तो ये महात्मा गांधी गए थे, है ना, मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था 1931 में आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 61 है दोस्तों कि सतलुज और काली नदी। चलिए अब हम लोग ज्योग्राफी से सवाल देख लेते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या बताऊँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है सतलज और काली। देखिए हिमालय जो हमें ना, हमारा जो हिमालय है दोस्तों, एक तो इसको दोस्तों आपको ऊंचाई के तौर पर इसको बांटा गया है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, है ना, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट में फिगर बना के दिखा देता हूं। जो हमारा हिमालय है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा हिमालय पर्वत है, और हिमालय को दोस्तों एक तो बांटा गया है, अरे भैया इतना मोटा किसे हो गया, एक तो हिमालय को बांटा गया है ऊंचाई के आधार पर, है ना, एक बांटा गया है हिमालय को दोस्तों नदी के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है सतलुज नदी और काली नदी, सतलुज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है उसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। उसको क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं दोस्तों, है ना, सतलुज और काली के बीच में जो हिमालय है इसको आपको याद रखना होगा, कुमायूं हिमालय इसको कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय इसको कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में है। अगर आपसे पूछे कि ये कुमायूं हिमालय जो है इसका विस्तार किस किस राज्य में है, तो उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश में है, और ये लगभग 320 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत दोस्तों महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के पर्वतीय आते हैं। इसमें महान भी आएगा सबसे उत्तर वाला, बीच वाला भी आएगा, और सबसे दक्षिण वाला भी आएगा, है ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। अगर आप पढ़े हैं हमारा NCERT तो आप समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े हैं तब तो फिर कोई बातें नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। मैंने कितना अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ, ये सब तो छठा क्लास में पढ़ना है, है ना, सिक्स क्लास में ज्योग्राफी पढ़ना है। ये मान लीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब में दोस्तों ये है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री, है ना, ये कितना है 23.5 डिग्री, तो 0 से लेकर के 23.5 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, ये वाला कौन सा भाग हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध। और 23.5 से लेकर 66.5 तक के वाले भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपको उपोष्ण कटिबंध। और 66.5 से लेकर के ये जो 90 डिग्री है ना, इस भाग को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं दोस्तों आपको शीत कटिबंध। इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध, और यही आपसे पूछ रहा है, ना, यही ना पूछ रहा है, शीत कटिबंध यही आपसे पूछ रहा है। बताइए कि शीत कटिबंध में कौन आएगा, तो अब तो काफ़ी आसान हो जाएगा,
तो 66.5 से लेकर के कहाँ तक, 66.5 से 90 तक दक्षिणी अक्षांश और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच, ये भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, क्योंकि ये वाला सिर्फ उत्तरी में थोड़ी होगा, है ना, जीरो के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और जीरो के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, है ना, तो यहाँ भी तो 66.5 डिग्री है, यहाँ भी तो 23.5 डिग्री है, यहाँ भी तो 90 डिग्री है, ठीक ना। तो नॉर्थ में भी दोस्तों यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा आपका, तो नॉर्थ में भी आपका और साउथ में भी, तो ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव, यानी 66.5 से लेकर उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री तक, और दक्षिण में 66.5 से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता दोस्तों कि उष्णकटिबंध किस में आएगा, तो उष्णकटिबंध आ जाएगा आपको 0 डिग्री ये है, और 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ भी और 23.5 डिग्री साउथ भी, ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और ये है आपका 23.5 डिग्री साउथ जिसको मकर रेखा कहते हैं, तो इसके जो बीच वाला जो क्षेत्र है इसी को क्या कहेंगे, उष्णकटिबंध, इसको क्या कहेंगे, उष्णकटिबंध। अगर कहेगा उपोष्णकटिबंध, तो उपोष्णकटिबंध हो जाएगा 23.5 से लेकर के 66.5 तक, है ना, 23.5 से लेकर 66.5 तक नॉर्थ में भी और 23.5 से लेकर 66.5 तक साउथ में भी, है ना, यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसको क्या कहेंगे, उपोष्ण कटिबंध, इसको कहा जाता है उपोष्ण। उसी प्रकार से अगर पूछे शीत कटिबंध किसको कहते हैं, तो शीत कटिबंध में क्या हो जाएगा, है ना, शीत कटिबंध में क्या हो जाएगा, 66.5 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 से लेकर के 90 डिग्री साउथ, यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है, तो ये भी शीत कटिबंध है और ये भी शीत कटिबंध है, वही सवाल तो आपको एग्जाम में पूछ रहा है अभी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर, कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। देखिए स्थानांतरित कृषि को ही कहते हैं दोस्तों झूम की कृषि, इसी को क्या कहते हैं, झूम बराबर झूम बराबर झूम, यानी कि झूम की कृषि कहते हैं इसको भारत में, भारत के आपको जो मेघालय राज्य है, है ना, जो नॉर्थ ईस्ट में जो खेती होती है ना आपको स्थानांतरित कृषि, इसी को झूम की कृषि भी कहा जाता है। तो अब इसमें कह रहा है इसका स्थानीय नाम क्या क्या है, इसका स्थानीय नाम यहाँ भी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक होगा, क्योंकि इसी को दोस्तों आपको कुमारी भी कहते हैं, है ना। स्थानांतरित कृषि क्या है, ये सबसे प्राचीन कृषि है, स्थानांतरित कृषि जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन कृषि है। इसके अंतर्गत क्या होता है ना स्थानांतरित कृषि में, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, तो इसमें जैसे कि पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे को क्या करता है, पहले तो इसको काट दिया, काट करके क्या कर दिया भैया, इसमें आग लगा दिया, है ना, काट के क्या किया जाता है, इसमें आग लगा दिया जाता है, आग लगा दिया तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और जल के क्या बचेगा, जल के बच गया ये राख, है ना, जल के ये राख हो गया, अब ये राख क्या होगा, पूरे मैदान में फैला देगा, खेत में फैला देगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक उपजाऊ मिट्टी हो जाएगा यहाँ पर, है ना, एक उपजाऊ मिट्टी हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 4 से 5 साल तक यहाँ पर खेती करेंगे वहाँ के जो आपको आदिवासी लोग होंगे, ये जंगल में ही किया जाता है, ठीक है, ये 4-5 साल यहाँ पर खेती करेंगे, फिर ये खेती क्या हो जाएगा, ये बंजर हो जाएगा, ये खत्ती बंजर हो जाएगा, फिर ये आदमी दूसरा जगह जाएगा, फिर यही काम वो आपका दूसरा जगह जा करके करेगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है आपको स्थानांतरित कृषि, यानी कि स्थान बदल बदल कर कृषि करना, उसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि। इस कृषि को दोस्तों बहुत सारे जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। अगर इस कृषि को स्थानांतरित कृषि को आंध्र प्रदेश में इसको पेंडा कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या फिर पेंडा इसको कहा जाता है, बेवर इसको कहाँ कहते हैं, तो बेवर या दहिया, है ना, बेवर और दहिया जो दिया हुआ है, तो बेवर और दहिया इसको कहते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, है ना, याद रखिएगा। कुमारी इसको कहा जाता है, कुमारी भी इसको कहा जाता है दोस्तों आपको स्थानांतरित कृषि को, तो यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक आपका सही है, है ना। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लदांग है, झूम की कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, है ना, बहुत सारे नामों से जाना जाता है दोस्तों आपको झूम की कृषि को। इसी को अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं, मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, वियतनाम में इसको रे कहते हैं, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि का बहुत सारा नाम है। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसके बारे में पढ़ाने में मज़ा आता है, है ना, ज्योग्राफी पढ़ाने में तो काफ़ी मज़ा आता है। ये देखिए हमारा दोस्तों दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में अगर आप देखिएगा तो ये राज्य है आपका केरल, नाम है इसका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, है ना, इसी को कहते हैं दोस्तों सदाबहार, इसी को क्या कहते हैं, सदाबहार वन भी इसको कहा जाता है,
ठीक है, इसी को कहते हैं सदाबहार वन भी, और ये केरल में पाया जाएगा, ये केरल राज्य है। केरल के अलावे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक राज्य में आपको पाए जाते हैं दोस्तों। क्या? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो भारत में सबसे अधिक, ये पश्चिमी घाट पर्वत कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, मध्य प्रदेश वगैरह में नहीं होता है ये, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा और केरल हो जाएगा यहाँ पर। उसके अलावे आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पर होता है, और नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य है ना, नॉर्थ ईस्ट में जैसे मेघालय है, आपका त्रिपुरा है, मणिपुर, मिजोरम, तो यहाँ भी आपको पाए जाते हैं ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो बारिश, यहाँ पर जो वर्षा होती है, काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, 200 से 400 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। और एक आपसे पूछेगा दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो महोगनी है, एवोनी है, रोजवुड है, सिनकोना है, है ना, बहुत सारे हैं, आबनूस हैं, ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के आपके वृक्ष हैं। ये जो वृक्ष होते हैं काफ़ी कठोर होते हैं और काफ़ी लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और ये जो वन होते हैं ना काफ़ी घने वन होते हैं, इतने घने होते हैं कि सूर्य का रोशनी भी दोस्तों आपको पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है ना, इतने घने होते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर की, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। बिहार में किसको नहीं पता है कि बिहार में बरौनी है, बिहार में बरौनी सबको पता है, बस ए बरौनी बस ए बिहार, है ना, बरौनी में कहाँ है, अब ये बताइएगा कि ये बरौनी में कहाँ है, है ना, ये मैंने कई बार बता चुका हूँ कि बरौनी के बेगूसराय जिला में है, है ना, बरौनी कहाँ है, बेगूसराय जिला में है दोस्तों। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के बरौनी जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और ये अस्तित्व में कब आया था, तो 1962 से ये कार्य कर रहा है, है ना, 1962 से ही ये काम कर रहा है, आपको ध्यान रखना है, है ना, इसकी स्थापना हुई थी 58 में, लेकिन ये जो काम कर रहा है 62 से। अगला प्रश्न है 66 नंबर की, खरीफ फसल उदाहरण कौन सा है। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ये तीनों फसल को आप रट लीजिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से फिक्स है, खरीफ फसल, जायद फसल, रबी फसल, है ना। खरीफ फसल किसको कहेंगे बताइए, खरीफ की फसल दोस्तों बरसात के समय जो बोया जाता है ना उसको कहते हैं खरीफ फसल। तो यहाँ पर खरीफ फसल कौन है, यहाँ पर खरीफ फसल हो जाएगा मक्का, है ना। मक्का देखिए, मकई तो ऐसे सभी सीजन में लगता है, अभी भी आपको मक्का मिलेगा, ठंडा में भी मकई आप खाइएगा, जिसको भुट्टा कहते हैं, है ना। लेकिन गेहूँ क्या है, गेहूँ आपको रबी है, मटर आपका रबी है, सरसों भी आपका रबी है, लेकिन जो मक्का जो मेन फसल है ना, मक्का जो मेन है ये आपको बरसात के समय ही लगता है, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों मकई सब दिन लगा देता है और सब दिन हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो मक्का ही होगा, क्योंकि ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। बाकी ये तीनों किस में आता है, ये तीनों आपको रबी फसल में आता है, तीनों रबी फसल में आता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 67 कह रहा है कि देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर यहां पर लिख दिया है, अगर प्रति हेक्टेयर नहीं लिखता तो होता आंसर उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर लिख दिया है तो होगा आंसर पंजाब, ठीक है, प्रति हेक्टेयर में पंजाब आगे है। लेकिन अगर कहे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है, अगर कहे कि चावल की खेती, धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो मतलब उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल हो जाता, धान में पश्चिम बंगाल है आपका दोस्तों, ठीक है, और गेहूँ में प्रति हेक्टेयर में पंजाब, ठीक है, पौसे प्रति और पौसे पंजाब, ठीक है, और सर्वाधिक कहता है तो उत्तर प्रदेश, ठीक ना। अगर कहे कि विश्व में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है, तो विश्व में होता है चीन में, और दूसरा नंबर पे कौन है, तो दूसरा नंबर पे आपका भारत है। विश्व में अगर कहे कि धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है, तो धान की खेती भी चीन है, और दूसरा नंबर भी यहाँ पर भारत ही होगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 68 है दोस्तों कि निम्न में से कौन ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, है ना, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, समझ में आता है आप लोग को, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। गैर पारंपरिक का मतलब दोस्तों कौन सा स्रोत नहीं है, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो गैर पारंपरिक है। गैर पारंपरिक का मतलब होता है कि वैसा ऊर्जा दोस्तों जिसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, है ना। और परंपरागत का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार ये खत्म हो गया भैया, तो ये फिर दोबारा उत्पन्न होने में, इसको बनने में इसको करोड़ों साल लग जाएगा, लाखों साल लग जाएगा। तो यहाँ पर जो कोयला ऊर्जा है,
कोयला जो ऊर्जा है दोस्तों ये किस में आएगा, कोयला ऊर्जा आ जाएगा आपको गैर पारंपरिक स्रोत, ये नहीं है कोयला ऊर्जा जो है ये परंपरागत स्रोत है ना, परंपरागत स्रोत है कोयला ऊर्जा, बाकी गैर परंपरागत है सारे आपको, है ना। क्योंकि सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगा, कभी नहीं, भूतापीय ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं होगा, ज्वारीय ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर 69 नंबर है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है। देखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो न्यायालय जारी करता है वो रीट जारी करता है ना। और ये रीट की चर्चा कहाँ की गई है, ये रीट की चर्चा की गई है अनुच्छेद 32 में, है ना। अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीट की चर्चा की गई है, पांच प्रकार की रीट की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 32 में अगर सर्वोच्च न्यायालय के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों रीट दायर किया जा सकता है, अगर उच्च न्यायालय के तहत रीट दायर करते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट दायर करिएगा आप, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है, अगर उच्चतम न्यायालय के तहत 32 के तहत और उच्च न्यायालय के तहत 226 के तहत आप रिट दायर कर सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना जो है भारत में कब प्रारंभ हुई है, ये योजना क्या है, ये योजना के बारे में पता है आपको। तो ये दोस्तों योजना जो है ये आपका कब प्रारंभ की गई थी, ये 2003 में प्रारंभ हुई थी, है ना। ये योजना जो प्रारंभ हुई थी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में आया था ये योजना, ध्यान रखना है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 71 नंबर की संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। देखिए वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं ना, अब बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बार बार बोलना अच्छा लगता है कि लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको खुद लगना चाहिए कि थोड़ा सा एक बार आते हैं तो लाइक कर दिया जाए, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया जाए, है ना। आप सभी के लिए इतना करते हैं तो थोड़ा सा इसके, देखिए लाइक करने से हमको पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। हमको इससे एक रुपया एक चमन्नी नहीं मिलता है भैया, ठीक है, लाइक करने से, है ना। अच्छा लगता है कि आपने लाइक किया हमें और आपको अच्छा लगा वीडियो, ठीक है, इसलिए आपको बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, ये कब प्राप्त हुई थी, सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई दोस्तों। तो सूचना का अधिकार तो आपको पता है कि ये 2005 में मिला है हम लोग को, है ना। तो सूचना का अधिकार 2005 में पारित हुआ था, लेकिन पूरा डेट आपको बताना है तो पूरा डेट हो जाएगा 15 जून 2005, ठीक है। 15 जून 2005 कहाँ गया, 15 जून 2005 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए हमारा जो मूल अधिकार है 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों, है ना। तो कुछ कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है और कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय को प्राप्त है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय को है, विदेशी को नहीं है। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी को प्राप्त नहीं है, ठीक है। विदेशियों को प्राप्त नहीं है, मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय को जो प्राप्त है वो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। मौलिक अधिकार नंबर 15, मौलिक अधिकार 16, मौलिक अधिकार 19, मौलिक अधिकार 29 और मौलिक अधिकार 30, इतने जो मौलिक अधिकार है ये सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, याद रखना है ना। भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, है ना। इतने जो अनुच्छेद हैं 15 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद, 19 अनुच्छेद, 29 अनुच्छेद और 30, ये सिर्फ भारतीय को प्राप्त हैं। बस इतने सुख आपको याद रखना है, काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73 नंबर। 73 कह रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, है ना। तो 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना किस में की गई है। देखिए हमारे पंचायती राज जो व्यवस्था है दोस्तों वो त्रिस्तरीय है, आपको पता है कि नहीं। हमारी पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, है ना। और ये तो ये भाग कितने में है, ये भाग आपका 9 में है, ठीक है। भाग पूछ रहा था, भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 73वें संविधान संशोधन हुआ था आपका 1992 में, और इसको 1993 में इसको लागू किया गया है, ठीक ना, ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर की, कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए जैसे ही क्वेश्चन पूछे नहीं तो क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है ना, नहीं पूछ दिया तो समझिए कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए उस क्वेश्चन के बारे में, तभी आप सही कर पाइएगा, नहीं तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग। वित्त आयोग दोस्तों संवैधानिक संस्था है, है ना, क्योंकि वित्त आयोग अनुच्छेद कितने में है? 280 में है। नीति आयोग, नीति आयोग दोस्तों संवैधानिक संस्था नहीं है। लोक सेवा आयोग, ये भी आपका संवैधानिक संस्था है, ठीक है, लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक संस्था है और इसको अनुच्छेद 315 में जगह दिया गया है। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग भी दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है और इसको अनुच्छेद 324 में जगह दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो नीति आयोग है, नीति आयोग दोस्तों ये लागू कब हुआ नीति आयोग की, तो नीति आयोग का गठन हुआ आपका 1 जनवरी 2015 से, है ना, पहले चलता था आपका पंचवर्षीय योजना, लेकिन मोदी जी आए तो इसको ख़त्म कर दिए और इसके जगह पर लेकर के आए नीति आयोग, और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से आपका काम कर रहा है आपका, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, नीति आयोग, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो ये रहा आज का टेस्ट, है ना, 74 सवाल ही था, एक क्वेश्चन लगता है यहाँ पर कट गया है, चलिए कोई बात नहीं है, है ना। तो ये रहा आज का टेस्ट, कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, न्यू बैच वाला, तो इसमें आप जुड़ जाइएगा, इसमें आपको मिल जाएगा। 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है सामान्य अध्ययन और DLED की, जिसमें हमारे जो नए शिक्षक हैं अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़े हैं, अगर वो इसमें जुड़ना चाहते हैं तो उनको सामान्य अध्ययन और DLED का जो PDF नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और उनके लिए मात्र 399 चार्ज लगेगा। और जो हमारे ओल्ड शिक्षक हैं यानी कि पुराने शिक्षक हैं, और जो नए शिक्षक के लिए 399 लगेगा, जो पुराने शिक्षक पहले एक साल से जुड़े हुए हैं वो अगर नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उनको मात्र 201 रुपया पे करना होगा, ठीक है। कैसे पे करना है, ये नंबर है, इस नंबर को क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, क्योंकि यही नंबर आपका WhatsApp भी है, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद आप WhatsApp कर दीजिएगा, WhatsApp पर आपको सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा पर्सनली, और फिर डेली वाइज आपको ग्रुप में मिलते रहेगा, ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल आपको हो, कुछ पूछना हो, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा, है ना। नहीं तो आप जो क्लास हो रही है इसके कमेंट बॉक्स में भी जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तों। तो ये रहा आज की क्लास, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते जाना है, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई मेरी बहना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।